आज ऐतिहासिक दिन है, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर, एक जीवन पद्धति के साथ एक चिकित्सा पद्धति, एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड हमारी ये जो सनातन पद्धति थी उसको एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा का दिन के रूप में आज का दिन जाना जाए, इसके लिए आज का दिन हमने चुना कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का ये दिन, और भारत वैश्विक स्तर पर हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड करे, एक आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक प्रमाणता और प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पतंजलि ने सैकड़ों रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश किए हैं, अलग अलग रोगों के बारे में, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स को इन्वेंट किया है और अलग अलग प्रकार की जो हमारे योग की क्रियाएं हैं उनको भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है। और जो स्थापित जो तथ्य थे उनके उलट हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करके, और लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो बीपी है, थायराइड है, चाहे वो ओबिसिटी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ, कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित जो उसके पैरामीटर्स हैं उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू नील बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनील बनाया, और कोरोनील के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में हैं। इसी प्रकार से अलग अलग बीमारियों के बारे में सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। और जब हमने पिछली बार यहाँ रिसर्च के संदर्भ में हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी हमने रिसर्च फाउंडेशन के जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो हमने सारे के सारे आपको उपलब्ध करवाए थे। ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ये पहले हम आपको इस संदर्भ में बता चुके हैं। और अब जो इसके बाद जो दूसरे रिसर्च पेपर जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं उन सब का एक हमने ये कंपाइल करके ये दूसरा एक पूरा महाग्रंथ बन गया है। जैसे हमारे यहाँ पर 20,100 ऋचाएं वेदों की हैं, ऐसे ही ये सारे वो रिसर्च पेपर्स का एक पूरा का पूरा डेटा है यहाँ पर। अब आज का जो संदर्भ है उसके बारे में मैं आना चाहता हूँ। जब हमने कोरोनिल, श्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं, और कोरोनिल से लेकर के अलग अलग बीमारियों के ऊपर जो पतंजलि ने रिसर्च किया है, मैं एक संदर्भ के साथ आज की इस बात को कहना चाहता हूं। आदरणीय हमारे इस देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार एक वैश्विक स्तर पर हमारे देश के एक खुद जो डॉक्टर हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको WHO के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाने का सौभाग्य मिला है। भारत लीड कर रहा है इस समय WHO को, और उसके हमारे एक बहुत ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने स्वास्थ्य को हमेशा एक सेवा मान करके
और मंत्री बनने के बावजूद भी अब कभी कभी अतिरिक्त व्यवस्थाएं हो जाए तो अलग बात है, अभी भी रोगियों को देखना, उनकी सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे ही इस देश के एक खुद जो चिकित्सक हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, और जो स्वभाव से बहुत ही करुणाशील, बहुत दूरदर्शी हैं, और इस के साथ साथ उनके अध्यक्षता में, और आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गडकरी साहब, जिनके साथ में हमारा एक अनन्य आत्मीय प्रेम होने के साथ साथ, मोदी सरकार का काम इस देश के 6,38,365 गांव तक दिखता है, जमीन पर दिखता है। और मैं आपने एक बार आज से 6 साल पहले आदरणीय गडकरी साहब से कहा था कि जब हम हरिद्वार से दिल्ली आते हैं तो हमको 6 घंटे लग जाते हैं, उस 6 घंटे की यात्रा को इन्होंने 3 घंटे में तब्दील कर दिया है। ये एक हरिद्वार से और दिल्ली के द्वार तक पहुंचने की बात ही नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में अब दो घंटे में करने वाले हैं। माने इस देश में लाखों किलोमीटर की सड़कों का, और जब मैं यूरोप जाता था, अमेरिका जाता था, कनाडा जाता था, जब मैं गया जापान और साउथ कोरिया, तो मैंने देखा इतने फर्स्ट क्लास वहां पर हाईवेज हैं, लगता था ऐसे भारत में वो कब होगा। खाली एक ये सड़कों का जाल बिछाने को लेकर के ही नहीं, माने जिनके भीतर एक बहुत बड़ी सोच है देश के निर्माण के लिए, एक दृष्टि संपन्न, एक वैश्विक नेतृत्व का सामर्थ्य जिनके अंदर है, ऐसे एक महान विभूति हमारे साथ हैं आदरणीय गडकरी साहब। हम दोनों का प्रथम तो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से अभिनंदन करते हैं, और आज मैं श्रद्धे आचार्य श्री की ओर से, और हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख हमारे उसके डॉक्टर हैं, अध्यक्ष हैं उसके, हमारे PRI के ऐसे अनुराग वार्ष्णेय जी का अभिनंदन करता हुआ सबसे पहले बुक का विमोचन कर देते हैं जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, और कोरोना के जो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और किस तरह से कोरोनिल सासारी अरुणतेल के द्वारा हमने लाखों लोगों की जान बचाई और करोड़ों लोगों के भीतर हमने हौसला जगाया, और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट, मैं किसी भी पैथी के संघर्ष को यहां पर प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहता, भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है, और करोड़ों लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं, तो उसमें जहां एक और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका है, तो दूसरी ओर उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे एंशंट साइंस की भी है, योग आयुर्वेद की भी है। करोड़ों लोग अपने घर पर बैठे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम सूर्य नमस्कार योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे, करोड़ों लोग अपने घरों में काढ़ा पी रहे थे, कषाय पी रहे थे, क्वाथ पी रहे थे, और उससे एक नया कीर्तिमान बना है। तो मैं आज सबसे पहले उन्हीं दो बुकलेट्स के विमोचन के लिए यहाँ मैं परम आदरणीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को और परम आदरणीय श्री गडकरी जी को निवेदन करता हूँ कि उसका विमोचन के लिए अनुग्रह करें। तो ये तो कोरोना के ऊपर जो पूरे उसके साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए औषधि बनाई, और ये टोटल जो उसके रिसर्च पेपर्स हैं जो पूरे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, 9 रिसर्च पेपर्स और 15 जो उसमें पाइपलाइन में है, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों का ही एक साथ ही ले लें तो अच्छा है, तो एक पूरा ही हो जाएगा। जी 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 साहब, प्रणाम। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 बड़े मकसद हैं, योग आयुर्वेद को वैज्ञानिक मापदंडों के साथ साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन इन्वेंशन के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट के तौर पर योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा, एक सस्टेनेबल हेल्थ,
वह योग आयुर्वेद और भारतीय जीवन पद्धति से पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित हो और आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने, इस संकल्प के साथ आज हमने ये कोरोना से लेकर के अलग अलग जो बीमारियों के ऊपर रिसर्च बेस्ड जो ट्रीटमेंट, रिसर्च बेस्ड जो पूरा का पूरा ये हमारी जो एंसेंट नॉलेज की जो की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है, आज से 4 साल पहले जब मोदी साहब आए थे पतंजलि में, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में, उन्होंने कहा था कि मैं योग आयुर्वेद को एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर मैं देखना चाहता हूं। तो उसके काफी चरण हमने पूरे कर लिए और उस पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास, उसकी आधारशिला हमारे आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी ने रखी थी, तो हम उनका भी कृतज्ञ हृदय से अभिनंदन करते हैं कि जिसकी नींव उन्होंने डाली थी आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अनुसंधान का भवन और एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य वहां पर हो चुका है। मैं एक एक करके दोनों हमारे अभिभावक रूप यहाँ पर मंत्री हैं, उनसे कहूँगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। मैं प्रथम आदरणीय श्री गडकरी जी से कहूँगा कि वो अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। आदरणीय बाबा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आचार्य बालकृष्णन जी, अनुराग जी और उपस्थित सभी मीडिया के भाई और बहनों, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारे योग विज्ञान और आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए आचार्य बालकृष्णन जी ने और बाबा जी ने एक बहुत बड़ी अनुसंधान संस्थान का स्थापना की है। ये बात जरूर है कि हम लोग यही कहते हैं कि नॉलेज हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर दो बातों को दोहराते रहता हूं, एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे देश का भविष्य है। और इसलिए हमारी जो पूर्व परंपरा से जो हमारा आयुर्वेद है, योग विज्ञान है, ये पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। शायद हिंदुस्तान में रहकर इस बात का महत्व नहीं समझ में आता है, पर आप कभी जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन व्यक्ति से जब बात करेंगे और वहां के आयुर्वेद के बारे में हमसे भी आगे उनके रिसर्च को देखेंगे, तब हमें पता चल जाता है कि विश्व में इसके बारे में कितना अनुसंधान हो रहा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अनुसंधान करना और वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रूवन करने के बाद उसका सर्टिफिकेशन करना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। समय के अनुसार ये रिसर्च चलते रहता है और इसीलिए बाबा जी के प्रति हम सबको आदर है, सम्मान है और प्रेम है कि एक समय हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो चीजों का हम उपयोग कर रहे थे, जिसकी रॉयल्टी विदेशों में जा रही थी, उसके अच्छे विकल्प के रूप में उन प्रोडक्ट को तैयार करके उन्होंने हमारे स्वदेशी के विचारों पर आधारित आधुनिक उत्पादनों को देश विदेश की जनता में लोकप्रिय किया और उस अनुभूति से लोगों का विश्वास भी आयुर्वेद के ऊपर बढ़ा, योग विज्ञान पर बढ़ा। एक प्रकार से पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत, आयुर्वेद, योग विज्ञान, इसके यशस्वी एम्बेसडर के रूप में हम आदरणीय बाबा जी को देखते हैं। और आज पूरे विश्व में एक चेतना भी इसके कारण प्रकट हुई है। अलग अलग प्रकार का हमारा योगासन हो, योग विज्ञान हो, प्राणायाम हो, कपालभाति हो, आज पूरे विश्व में लोग इसका अनुकरण कर रहे हैं। और एक बात सच है कि चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता।
जब इन सब बातों की अनुभूति लोगों को आई तब उन्होंने उन बातों को स्वीकार किया है। और इसलिए हमारी ये जो पूर्व परंपरागत हमारा विज्ञान है आयुर्विज्ञान, इसमें रिसर्च करने के लिए मैं विशेष रूप से और धन्यवाद दूंगा आचार्य बालकृष्ण जी को। आयुर्वेद में 300 से अधिक साइंटिस्टों को, 300 से अधिक वैज्ञानिक, और बालकृष्णन जी से मैंने जब नजदीक से उनको देखा कि किसी भी चीज का सखोल अध्ययन करना, और मैं तो मैनेजमेंट का विद्यार्थी भी हूं, प्रबोधन प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये त्रिसूत्री पर हमारी समाज रचना है। तो प्रबोधन का कार्य बाबा जी करते हैं, प्रशिक्षण का भी करते हैं, और बालकृष्णन जी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से समर्पित किया है। और ये सब वैज्ञानिक है, इनका उपयोग करके लगातार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वैज्ञानिक लेबोरेटरी की स्थापना करके, और उसके साथ हर चीज जिसके बारे में हम दावा कर रहे हैं कि इसका ये परिणाम है, उसका वैज्ञानिक रिपोर्ट, और वो भी उन्होंने वर्ल्ड के जर्नल्स में ये सब रिसर्च पब्लिकेशंस पहुंचाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब प्रमाणीकरण होगा वैज्ञानिक लेबोरेटरी के द्वारा, तब उसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं कर सकता, कोई विवाद भी नहीं हो सकता। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके लिए मैं बाबा जी को और बालकृष्ण जी को धन्यवाद दूंगा, कि अभी तक आयुर्वेद में हम ये दवाई लो हम ले लेते थे क्योंकि विश्वास था, फायदा भी होता था, पर अब इसका वैज्ञानिक मूल्यांकन एनालिसिस करके उसके रिसर्च पेपर के साथ उसका प्रेजेंटेशन ये दुनिया के सामने करने का काम भी उन्होंने किया है। और इसलिए किसी चीज के बारे में हम कहेंगे कि ये इस विषय पर इसका सबसे अच्छा परिणाम होगा, तो रिसर्च पेपर के द्वारा, हमारे वैज्ञानिक लेबोरेटरी के द्वारा, उसके प्रयोगों के द्वारा ये प्रमाणित करने के कारण इसकी विश्वसनीयता काफी बड़े प्रमाण में बढ़ती भी है। हमारे देश में एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, और सब इसमें लगातार रिसर्च करना ये समय की आवश्यकता होती है। मैं 4-5 दिन पहले मैंने मेरे घर पर एक मीटिंग बुलाई थी, और इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी के मार्गदर्शन में काम करने वाले अनेक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के भी प्रमुख थे, और मीटिंग का विषय था लिथियम आयन बैटरी, कि विश्व में आने वाले 10 साल में भारत को अगर सुखी समृद्ध संपन्न करना है तो पेट्रोल डीजल का पर्याय के रूप में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, वो भी अब हो गया, तो ये हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये भारतीय वैज्ञानिक उनके रिसर्च के आधार पर हम कैसे काम कर सकते हैं, तब मुझे पहली बार पता चला कि लिथियम आयन बैटरी का 81% पार्ट हिंदुस्तान में तैयार होता है। और मैं उन सब वैज्ञानिकों के सामने मैंने एजेंडा रखा कि 2 साल के अंदर पेट्रोल की कार, डीजल की कार, पेट्रोल की बाइक और स्कूटर, और उसके साथ इलेक्ट्रिक की बाइक और स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक की बस, 2 साल के अंदर दोनों की कीमतें समान होनी चाहिए। और जब ये बात मैंने उनको कही तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से होगा, और हमारे देश में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, और उनको सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिट करने के लिए उनके पीछे खड़े रहने की आवश्यकता है। आचार्य बालकृष्णन जी के रूप में और बाबा जी के रूप में इस अनुसंधान संस्थान में 300 वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं, और उनके पीछे पतंजलि का गुडविल तो है ही, पर बालकृष्ण जी का और आचार्य बाबा जी का, दोनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन, इसके कारण उसकी और ताकत बढ़ी है। और उसके पर जो अनुसंधान हुआ है उसके आधार पर आज का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अनुसंधान के लिए, देश की जनता को इसका फायदा तो होगा ही,
पर ये वैज्ञानिक रूप से ये कार्य करने के लिए ये बाबा जी को और आचार्य बालकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी है कि अब सब बातों का वैज्ञानिक आधार लेकर फिर वो जनता के सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का भी विश्वास इसके ऊपर और अच्छी तरीके से बढ़ेगा और हमारे स्वास्थ्य के बारे में एक ये जो नई दिशा पतंजलि ने विशेष रूप से दी है, इसलिए मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। और इसी प्रकार का अनुसंधान कार्य जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रिसर्च के बराबरी का हो और ऑलरेडी है और इसमें आगे ऐसी बढ़ोतरी होती रहे ताकि हमारी ये अनुसंधान संस्थान केवल देश को नहीं तो विदेश में बैठे हुए अनेक लोगों को भी इसके बारे में दिशा दर्शन दे सकता है, ऐसा कार्य आगे भी भविष्य में होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए बाबा जी को अभिवादन करते हुए और बालकृष्णन जी का भी अभिनंदन धन्यवाद, और जो 300 वैज्ञानिक है अनुराग जी जिसमें काम कर रहे हैं उनके सब साथियों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। प्राचीन वैदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान संगत उस पर अनुसंधान करते हुए ये कोरोना की औषधि का भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने नीम्स से प्रारंभ किया, इसलिए हम डॉक्टर तोमर और नीम्स का भी कृतज्ञतापूर्वक अभिनंदन करते हैं कि हमको पहला एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने का एक अवसर उन्होंने हमें उपलब्ध करवाया। और कोरोनिल स्वासारी अणुतेलसिस ये यात्रा शुरू हुई डेंगूनिल और पीडानिल से लेकर के फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस जैसे रोगों के संदर्भ में अभी तक स्थापित मान्यता ये थी कि एक बार किसी को हेपेटाइटिस ए बी सी हो गया तो नेगेटिव नहीं होता, उसको भी हमने लिवोग्रिट और लिवामृत से नेगेटिव करके डॉक्टर सरीन ने, मैं 2-3 बार गया हूँ, हमारे लिवर के बहुत बड़े एशिया के माने हुए डॉक्टर हैं, बोले स्वामी जी ये है हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि ये नेगेटिव भी हो जाते हैं। और मैंने सामान्य लोगों से लेकर के आर्मी में ब्रिगेडियर और जनरल से लेकर के डॉक्टर से लेकर सबसे पहला हमने हेपेटाइटिस का पेशेंट डॉक्टर साहब डॉक्टर भारती रामकृष्ण मिशन का ही ठीक किया था आज से 25 साल पहले, लेकिन उस समय हमारे पास में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके कोई रिसर्च सेंटर बना दें, 300 से ज्यादा साइंटिस्ट रखें, करोड़ों रुपए उनको हम सैलरी भी दे सकें, फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, सेल एंड ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के और ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा जो ड्रग डिस्कवरी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं था। लेकिन आज जो है ये दाएं बाएं आपको थोड़ी देर में अभी आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी और गडकरी जी का, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमने इनको आमंत्रित किया था उनके प्रस्थान के उपरांत, आपको पूरा ये ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा साइकिल है इनमें इसमें इनविट्रो से लेकर के इनविवो से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का प्री क्लिनिकल और पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल तक का सबका सब डेटा जो इन बुक्स में भी दिया है उसके संदर्भ में आपको दिग्दर्शन भी श्रद्धेय आचार्य श्री करेंगे। मैं ये जो पूरा अनुसंधान जिसमें कोरोनिल एक औषधि है और मैंने कहा डेंगूनिल से लेकर के पीडानिल ऑर्थोग्रिट से लेकर के और लिवोग्रिट लिवामृत कार्डियोग्रिट सिस्टोग्रिट पूरी एक लंबी सीरीज है। और इस पूरे अनुसंधान के कार्य को आप सबके बीच में जहां रखते हुए गौरव हो रहा है, वहीं हमारे यहां पर जैसे मैंने कहा पतंजलि योगपीठ की स्थापना से लेकर के आदरणीय श्री गडकरी जी जिनका हमें निरंतर एक अभिभावक की तरह प्रीत मिलता है उनसे लेकर के और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी तक आज हमारे बीच में हैं, हम गौरव अनुभव कर रहे हैं कि इस कार्य को उनका आशीर्वाद उनका मार्गदर्शन प्राप्त है। तो मैं जो WHO की गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के एक दृष्टि संपन्न एक शील संपन्न मंत्री है ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बहुत ही हर्ष आनंद के साथ आमंत्रित करता हूं, वो भी अपने आशीषों से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धे स्वामी रामदेव जी,
भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय स्वामी बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के बंधु और भगिनी और सभी अन्य आमंत्रित संबंधित विशेषज्ञगण, आज से लगभग 27 साल पहले जब मुझे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था, तो ये लगभग जितना भी आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है, लिखा है, समझा है, उसके कारण आयुर्वेद उसकी प्रतिष्ठा को सारे संसार में मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से पुनर्स्थापित करने का एक स्वप्न ये हमेशा मन में रहा है। और उसका कारण यह कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का सारा ज्ञान ये बहुत कुछ अथर्ववेद के अंदर समाहित है, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो ज्ञान था उसको, ये सब जानकारियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्नाइज्ड डेटाज हैं या लिटरेचर है उसमें सब विद्यमान है। 6वीं शताब्दी में इसको चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया गया, 9वीं शताब्दी के अंदर इसको पर्शियन और अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया, 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में इसको यूरोपीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। भारत का निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य रहा कि ब्रिटिश रूल में जो हमारा अपना ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, इसको सारे दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर रिकॉग्निशन होना चाहिए था और जिसका भारत में प्रचार और प्रसार होना चाहिए था, उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया और उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति का इंतजार करना पड़ा। और ये सब बातों का क्योंकि बहुत गहराई से अध्ययन किया था, इसलिए मैंने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक सेंटर एस्टैब्लिश किया था, उसका नाम था दिल्ली रिसर्च सेंटर फॉर मॉडर्नाइज्ड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, और इसको हेड करते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर जे एन शर्मा। और जिस प्रकार के विषयों की आज यहाँ चर्चा हो रही है और जिसके बारे में पतंजलि रिसर्च संस्थान ने काम किया है, वो सारा काम और आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी जिस भी प्रकार की जानकारी सारे देश में जिस भी माध्यम से प्राप्त हो सकती है, उसको कैसे एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए, कैसे उसको डिजिटली एस्टैब्लिश किया जाए, वो सारा काम उसका था। दुर्भाग्य से 1998 में हमारी दिल्ली में सरकार चली गई और जो सब्सिक्वेंट सरकारें थी उन्होंने इस विषय की गहराई, इस विषय की गंभीरता, इस विषय की सात्विकता को समझने का प्रयास नहीं किया। और थोड़े ही समय के बाद प्रोफेसर जे एन शर्मा के देहांत के बाद वो सेंटर जिस भाव से बना था, वो सेंटर जो है उसका लक्ष्य ही परिवर्तित कर दिया गया। 1999 में मुझे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए काम करने के लिए जब निमंत्रित किया, तो मैं सिर्फ कुछ तथ्य आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। सन 2000 में 1, 2 और 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सबसे प्रतिष्ठित सेंटर जो कोबे जापान में है, उस स्थान पर एक 3 दिन की मीटिंग हुई जिसका नाम था, जिसका सब्जेक्ट था हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट फॉर द 21st सेंचुरी। और इस मीटिंग में दुनिया से
125 लोगों को बुलाया गया था, भारत से भी दो लोगों को बुलाया गया था। उन्होंने कैसे सिलेक्शन किया था वो उनका अपना क्राइटेरिया था, लेकिन जिसके बारे में भी उनको लगता था कि उसने शायद स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ किया है, तो उसको उन्होंने ऐसे करके चूज किया था। और उस 3 दिन की मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और इससे भी ज़्यादा मोटी एक किताब वहाँ पर रिलीज़ की गई थी, और वो कोबे रिकमेंडेशंस के नाम से जानी जाती है। और उसमें 21वीं शताब्दी के अंदर भारत या दुनिया के अंदर जो हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट है, इसके संदर्भ में जो बातें की गई, उसमें से 2 महत्वपूर्ण बातों का आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। एक का तो सीधे सीधे, अब तो मैं कहूँगा दोनों का ही सीधे सीधे बाबा रामदेव जी से संदर्भ में रेलेवेंस है। उस समय 2000 में उस मीटिंग के रिकमेंडेशंस में कहा गया कि अगर आने वाले 21वीं शताब्दी में भारत को या दुनिया को हेल्थ फॉर ऑल, इस गोल को अचीव करना है, तो भारत के एक तो पतंजलि योग के माध्यम से दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा ये प्रतिपादित होगी, ये उसकी एक रिकमेंडेशंस थी। और दूसरी उसकी रिकमेंडेशन ये थी, मतलब बहुत सारी रिकमेंडेशंस लेकिन जो रेलेवेंट थी, कि भारत के या भारत समान देशों की जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, जिनका फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ पर, प्रमोटिव हेल्थ पर, पॉजिटिव हेल्थ पर है, इनको 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा, ये उस रिकमेंडेशंस का अंग था। ये जो कोबे की रिसर्च सेंटर है WHO का, आपकी जानकारी के लिए, ये वो स्थान है जो WHO के लिए भी जो है पॉलिसीज़ को बनाने में ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, और वो पॉलिसीज़ को WHO आगे अपने मेंबर स्टेट्स को देता है। आज जो आयुर्वेद है, इसके संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी सब प्रकार की मान्यता है, इसको सब प्रकार का रिकॉग्निशन है। और अगर मैं दुनिया के देशों की गिनती करना शुरू करूं, तो प्रमुख देश जो मुझे कम से कम ध्यान में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, मॉरिशियस, इसी तरीके से हमारे पड़ोस में जो देश हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, चाइना है, ऐसे बहुत सारे जो दुनिया के अंदर देश, हंगरी है, इन्होंने तो जो आयुर्वेद है, भारत का ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको अपने रेगुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में इसको स्थापित किया है, इसको उन्होंने रिकॉग्निशन दिया है। आज भारत का कोई भी आयुर्वेदिक डिग्री लिया हुआ डॉक्टर, वो न्यूजीलैंड में जाके थोड़ा सा इम्तहान देने के बाद वहाँ पर वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर सकता है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आयुर्वेद का आज रिकॉग्निशन है। और अभी आप जानते हैं कि थोड़े ही समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत फ़ोन किया, और फ़ोन करके उन्होंने कहा कि हम सारे दुनिया का आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा एक सेंटर, जो कि हर तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का बेस हो, रिसर्च का बेस हो, या जहां से आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी जो भी जानकारियां हैं वो सारे दुनिया को प्रतिपादित हो सके, वो हम भारत के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। और आज विश्व स्वास्थ्य संगठन में इस स्तर पर काम प्रारंभ हुआ है कि दुनिया का ग्लोबल सेंटर आयुर्वेद के लिए वो भारत के अंदर स्थापित हो। एक और बात का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि 10 साल से ज़्यादा समय तक इस दिल्ली में जो हमारा रीजनल ऑफिस है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, इसके डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर रहे डॉक्टर ऊटॉन, और ये डॉक्टर ऊटॉन इंडोनेशियन थे, अभी तो दुर्भाग्य से उनका डेथ हो गया,
ये मैं आपको 90s के समय की बात बता रहा हूँ, जब मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था, और वो स्वयं मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर थे, लेकिन अपने रिटायरमेंट से, जब उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिटायरमेंट लिया, उसके पहले उन्होंने एक साल लगाकर एक इतनी मोटी किताब लिखी, रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी उसका एग्जैक्टली मुझे जो एग्जैक्ट नाम था, लेकिन उसका क्रक्स, उसका मतलब ये था, रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। और उसमें उन्होंने आयुर्वेदा से जुड़े हुए सारी जानकारियों से लेकर अपने अनुभव, वर्किंग विद द WHO, वर्किंग विद द हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्किंग विद द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ द होल वर्ल्ड, उसके संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी। तो आज आयुर्वेद जो है वो उसके ऊपर कोई बायस होकर प्रिजुडिस के साथ तो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, लेकिन आयुर्वेद की बारे में जानकारी वेदों से लेकर और आज तक सब स्थानों पर उपलब्ध है। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जिनको मैंने शेयर किया ये विकिपीडिया के ऊपर भी हैं। और जो 1906 में एक हिंदू सुपीरियरिटी नाम की किताब लिखी हरबिलास सारदा जी ने, उसमें भी जो मेडिसिन का चैप्टर है उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, और वो सारी जानकारियां वो हैं जो आयुर्वेद के बारे में या भारत की मेडिसिन के बारे में विदेशियों ने कहा है, हमने नहीं कहा, विदेशियों ने जो भारत के आयुर्वेद के बारे में कहा है दुनिया के अंदर, वो सारी सारी चीज़ें वहाँ पर कंपाइल्ड हैं। इसलिए यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं और खासकर जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके संदर्भ में आयुर्वेद की जो उपयोगिता है, आयुर्वेद की जो प्रामाणिकता है, आयुर्वेद जो है जो भविष्य में जिस प्रकार से जो हेल्प कर सकता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, लोगों को निरोगी बनाने में, उसके बारे में कोई शक शुबा हमें नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में जब मुझे थोड़े समय के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला था, तो उस समय दो महत्वपूर्ण काम, एक के जो पतंजलि का जो रिसर्च संस्थान है, इसका फाउंडेशन स्टोन मुझे हरिद्वार में जाकर रखने का मौका मिला, जिस संस्थान को बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेडिकेट किया देश को। और जैसा अभी बाबा जी ने कहा कि उस समय उन्होंने ये विचार व्यक्त किए कि उनका भी ये सपना है कि मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद जो है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का जो काम है वो इस प्रकार के संस्थान को करना चाहिए। और उसी साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष का एक नया मंत्रालय भारत में स्थापित किया 2014 में, और उसी 6 महीने में जब मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तो उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने भारत में आज़ादी के बाद पहला नेशनल आयुष मिशन स्थापित किया। यानी सरकार इस संदर्भ में जो बाबा जी का सपना है, सरकार का भी वही सपना है। और आज इस बात की खुशी है कि कोविड काल के अंदर जो कोविड के लिए प्रिवेंशन की दृष्टि से, ट्रीटमेंट की दृष्टि से, जहां एक तरफ बाबा जी के संस्थान ने पूरा रिसर्च किया और जिसके बारे में अभी कहा गया कि वो सारे प्रेजेंटेशंस भी अभी करेंगे, और जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे देश के सामने कि हम अच्छे हैं ये हमें भी पता है, दुनिया भी मानती है, कहती है, लेकिन उसको दबे स्वर में कहती है, उसको इस्तेमाल भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको स्वीकार नहीं करती है, उसको साइंटिफिक जब मॉडर्न टूल्स की मदद से हम दुनिया के सामने पुनर्स्थापित करते हैं तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो जैसे ये सारे हमारे आचार्य बालकृष्ण जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, उनके बारे में मैंने बहुत समझा है, जाना है, उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं, वेदों के बारे में उन्होंने बहुत ज्ञान जो है अपनी पुस्तकों के अंदर जो है समाहित किया है, इसलिए मेरे पास वास्तव में उनके संदर्भ में सही उपयुक्त शब्द नहीं है। मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ बाबा जी के साथ। लेकिन जो हमारा आयुष मंत्रालय है, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में आना था तो मैंने कल रात को लेटेस्ट जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मैंने इस आयुष काल में कई सारे रिसर्च एक्टिविटीज़ आयुष मंत्रालय की, मैंने उनको शुरुआत करने के अंदर भी मैंने कुछ भूमिका निभाई थी, तो मैंने वो सारे डाटाज और वो सारे मंगवाए, तो मुझे पता लगा कि कोविड काल में आयुष मंत्रालय ने 140 स्थानों पर भारत में
109 जो है किस्म की स्टडीज की, जिसमें कि 39 स्टडीज जो है उन्होंने प्रोफाइलेक्सिस पर और 32 स्टडीज जो है उन्होंने ट्रीटमेंट के ऊपर, और साथ में प्री क्लिनिकल वगैरह स्टडीज और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, और सबके मैंने जो रिजल्ट्स देखे तो सब में जो रिजल्ट्स में बहुत ही एनकरेजिंग, हर प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ भी मुझे नज़र आए। और आयुर्वेद का जो लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में जो योगदान हो सकता है, और अगर कोविड काल के अंदर वो योगदान जो है एक प्रकार से और ज़्यादा एस्टाब्लिश होता है, तो शायद आयुर्वेद को किसी के किसी प्रकार के और बड़े सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी अगर इसको टेक्निकल तरीके से भी अध्ययन करेंगे तो भारत में 30,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है आयुर्वेद की, जिसका हर साल 15-20% का ग्रोथ होता था, ये ऑफिशियल डाटा है। लेकिन अभी ये प्री कोविड ईरा का है, और पोस्ट कोविड ईरा में हमारे भारत में आयुर्वेद की जो इकोनॉमी है उसका जो 30,000 करोड़ की, उसका जो ग्रोथ रेट प्री कोविड 15-20% था, वो अब 50-90% तक ग्रोथ रेट हो गया है उस इकोनॉमी का। ये अपने आप में इस बात का सूचक और परिचायक है कि भारत के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट किया है। एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से भी बहुत इसमें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की दृष्टि से भी बहुत मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुए हैं। आज इस कार्यक्रम का जो परिवेश है वो ये नहीं है, परिवेश है आचार्य बालकृष्ण जी ने जो बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में रिसर्च किया है। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ, और मेरा ये कहना है कि इस मॉडर्न तरीके से साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद को अच्छी ढंग से पूरे दुनिया में पुनर्स्थापित करने की जो यज्ञ है, इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आहुति डाली जाएगी वो भारत के लिए तो एक प्रकार से गर्व और गौरव का विषय होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पूरी मानवता की, पूरे देश के, दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इसको विश्व कल्याण का एक बहुत बड़ा प्रकल्प मानकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं हृदय से बाबा जी को उन्होंने आग्रह किया कि मुझे यहाँ पर आकर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, तो उनके आदेश का मैंने पालन करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जितनी भी बातें मैंने कही हैं वो बहुत गहराई से कही हैं, गंभीरता से कही हैं, अध्ययन करने के बाद कही हैं, इसलिए इनके बारे में किसी भी किस्म का शक शुभा संदेह अपने मन में कोई भी ना रखे, ये मेरी आप सबसे विनम्र विनती है। धन्यवाद। मैं अभी अंत में 2-3 वाक्य कहना चाहूँगा। मैंने बहुत से भारत के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद किया, उनके साथ बैठा हूँ। आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एलोपैथी के मंत्री नहीं है। नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता था, स्वास्थ्य मंत्री एलोपैथी के बारे में ही बात करता था। हमारी एलोपैथी से भी सिंपैथी है, वो भी लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर, और बहुत से आयाम हैं चिकित्सा के, कोई कंपटीशन नहीं है किसी का, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लेकिन मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मॉडर्न मेडिसिन के प्रति संपूर्ण कमिटमेंट है, सारे जिंदगी मैंने मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस की है एज एन ENT सर्जन, और मेरा ये परम विश्वास है कि सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को मिलकर पूरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनकर और होलिस्टिक अप्रोच के साथ मिलकर जो है मानवता की सेवा और कल्याण करना चाहिए। इसलिए किसी को कोई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को भी कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं मॉडर्न मेडिसिन छोड़कर कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूँ, लेकिन आयुर्वेद को अध्ययन करने के बाद मैं इस बात पर निश्चित रूप से जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इनकी सबकी जो है हमारे देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपयोगिता है, और अगर सब मिलकर काम कर लें तो इससे ज्यादा मतलब सोने में सुहागा कुछ नहीं हो सकता। और वो इसलिए जरूरी है कि जहां समाज में हारमोनी जरूरी है, वहीं यहां पैथियों में भी हारमोनी जरूरी है। तो आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हमको इस बात के लिए हर्षान्वित किया है कि
अपने पर गर्व होना चाहिए, अपनी निजता से नफरत क्यों? और कोरोना के प्रिवेंशन के लिए, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स है, लॉन्ग कोरोना है, उससे डील करने के लिए योग आयुर्वेद से लेकर के सासारी कोरोनिल से लेकर के अणुतेल से लेकर के जो हमारी पद्धतियां हैं उसको हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है थोड़े ही दिनों के बाद में ये सारे कोरोना के कोरोना धोना इसके भी बादल पूरे छट जाएंगे और एक नए हम स्वस्थ विश्व में प्रवेश कर पाएंगे। कुछ लोग दवाइयां बनाते हैं व्यापार के लिए, हमने व्यापार के लिए कोई नहीं दवाई बनाई, उपचार और उपकार की भावना से दवा बनाई। यदि मैं पिछले 30 वर्षों का डाटा कहूं आपसे, तो यदि बाजार से उनके मूल्य का जो डिफरेंस है उसको आप इवेल्युएट करें, कैलकुलेट करें, तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कम मूल्य की औषधियां बाजार में, यदि मोती पिष्टी 300 रुपए की मिलती थी तो हमने 30 रुपए की दी, वहां शंख प्रदक मुक्ता शुक्ति अविपत्ति कर चूर्ण और तमाम तरह के रस रसायन भस्म पिष्टी अवलेह पाक वो उनसे 5 से 10 गुना हमसे महंगे बेच रहे थे। हमने ये विशुद्ध रूप से इस देश को बाजार मान के नहीं, अपना एक परिवार मान करके, व्यापार मानकर, उपचार और उपकार की भावना से ये कार्य किया है। और अभी तो WHO के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन है, मेरा तो सपना आने वाले 30 सालों तक हम योग आयुर्वेद में इस कदर कार्य करें कि WHO का हेड ऑफिस इंडिया में बन जाए, और वो सपना है हमारा। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का मिशन चल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक, IMF और UNO भी भारत में क्यों नहीं हो सकता उसका हेड ऑफिस? दुनिया बदलती है, वक्त के साथ परिप्रेक्ष्य बदलते हैं, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि दो दो हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने आकर के इस, ये केवल एक संस्था की बात नहीं है, किसी एक ब्रांड की बात नहीं है, ये हमारी संस्कारों की बात है, हमारी परंपरा विरासत की बात है, उस योग आयुर्वेद की विरासत को अपना आशीर्वाद देके, उसको अपना समर्थन दे करके हमें अनुग्रहित किया है। मैं एक बार पुनः कृतज्ञ हृदय से, क्योंकि अभी गडकरी साहब को भी जाना है और हर्षवर्धन जी को भी, उसके साथ साथ आचार्य श्री, ये जो पूरी PPT है, जो पूरा रिसर्च के पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, उसको डॉक्टर अनुराग जी उसके बारे में कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, गडकरी साहब को जाना है, तो मैं हो गया भाई, बहुत अच्छा।